अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स आखिरकार महरीन ने शिब्रा और शामिर का पीछा किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शामिर पर अटैक करेगा महरीन और आप देखेंगे कि इस मौके पे शिब्रा शामिर के साथ होती है और शिब्रा बहुत ज़्यादा डर जाती है और शामिर भी बच जाता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शामिर को शिब्रा कहेगी कि शामिर मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ खुश रहें, मैं और तुम एक दूसरे के साथ खुश रहो और ये दुनियादारी छोड़ दो, अपने बाप के जो पार्टी तुमने पकड़ी है तो ये बातें छोड़ दो, अपने बाप को साफ कहो कि मैं इस पार्टी के लिए तैयार नहीं हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शामिर कहेगा कि नहीं शिब्रा, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं जो सोचता हूँ ये इस मुल्क के लिए बेहतर है, मैं वो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगा जिसमें हमारे मुल्क का नुकसान हो, हमारे लोगों का नुकसान हो। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिब्रा कहेगा कि फिर ये सब जो लोग कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है, ये अटैक कौन कर रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर शामिर को ये पता लगे कि ये जो हमारे पीछे लोग लगे हैं ये कोई और नहीं बल्कि महरीन ही है और महरीन चाहती है कि मैं खुश ना रहो और मैं शिब्रा से दूर ही रहो। तो व्यूअर्स क्या महरीन अपने प्लान में नाकाम हो जाएगी या कामयाब, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।